लगातार आज तक पर आप देख रहे हैं आर्यन खान के वकीलों को आज पूरी उम्मीद थी कि आज कम से कम उनकी रिहाई हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त यह निकलकर आ रही है ड्रग्स केस में आर्यन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, यानी कि अब 20 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा। मुश्किलें किस कदर बढ़ गई है, यानी कि 20 तारीख तक जेल के भीतर ही रहेंगे आर्यन खान। ड्रग्स केस में आर्यन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। क्रूज शिप ड्रग्स केस को लेकर ऑथर रोड जेल में कैद आर्यन खान की किस्मत पर गुरुवार को भी फैसला नहीं हुआ और अब 20 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा कि उनकी रिहाई होगी या फिर उनका भविष्य क्या रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि अगर तुम्हारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो उसको बेल देनी चाहिए। एसी ने जो व्हाट्सएप चैट्स है उसको भी स्पेसिफिकली कहा है कि उसमें जिस तरह की बातचीत कही है और वहीं से कहीं ना कहीं कनेक्शन जो निकल के आ रहा है उसके डिफेंस में क्या तर्क दिया गया? व्हाट्सएप चैट्स पे इतना ही कहना है कि उनके पास से तो पहले जो हमारे पास से जो फोन लिए गए हैं ऐसा उनका कहना है, उसके लिए उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्री या कंटेम्पोरेनियस रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया नहीं है, जो कायदे में ऐसा लिखा है कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट सीज करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने वैसा डॉक्यूमेंट बनाया नहीं है। और दूसरी बात, जैसे पॉइंट आउट किया है कोर्ट में कि जो लैंग्वेज जो यूज की है वो ऑर्थोडॉक्स इंग्लिश वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको थोड़ी सी वो लैंग्वेज ऑफेंसिव लगेगी, लेकिन उसका और ड्रग्स से रिलेटेड कोई भी कंसर्न नहीं है। अगली तारीख कब दी गई है और क्या होगा अगली तारीख? अगली तारीख 20 तारीख दी गई है। 20 तारीख को जज साहब ने ऐसा कहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा ऑर्डर वो तारीख को पास करेंगे। केस में आर्यन को आज भी राहत नहीं मिली है, ये पुरानी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें अब 20 तारीख को यानी कि 20 अक्टूबर को ही फैसला होगा कि आर्यन खान का आगे क्या होगा। अब 2 अक्टूबर से ही आर्यन की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। इन सब के बीच आज उम्मीद की जा रही थी कि आज कम से कम उनको राहत मिल जाएगी, लेकिन एनसीबी के जबकि वकील पहुंचते हैं काफी देर से, वो पहुंचते हैं अदालत के सामने, वो अपनी बातें रखना शुरू करते हैं, फिर बचाव पक्ष की ओर से भी तमाम दलीलें दी जाती हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता है। और कुल मिलाकर मुश्किलें आर्यन खान की बढ़ती हुई, क्योंकि अब भी उनको इतने दिनों तक जेल में रहने के बावजूद राहत नहीं मिली है। आपको बता दें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में राहत नहीं मिली है। जज वीवी पाटिल ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। इसी दिन आर्यन खान की जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा। जज वीवी पाटिल ने कहा कि वो 20 अक्टूबर को भी बिजी हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि उस दिन जमानत पर सुनवाई वो कर पाएं। कोर्ट में आर्यन खान के वकील की ओर से जो दलीलें दी गईं, आर्यन खान के वकील ने कहा कि आज के जनरेशन के बच्चों की भाषा इंग्लिश हमसे काफी अलग है, उनकी बातचीत एजेंसी को संदेहजनक लग सकती है। वकील अमित देसाई ने पूछा, क्या ये लड़का आपको लगता है कि इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल होगा? एजेंसी की ओर से कहा जाता है कि हम एमईए के संपर्क में हैं, आप करिए अपनी जांच, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत बेबुनियाद हैं। कमलेश सुतार मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं मुंबई से और ज्यादा जानकारी के साथ। कमलेश, बार बार ये उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम आज, चूंकि अब त्योहार है, कल दशहरा है, राहत मिल जाएगी, अब इसके बाद हम देखें कि उसके बाद रविवार की छुट्टी, फिर 20 अक्टूबर तक फैसला, आखिर वो कौन सी दलीलें रही जो मजबूत पक्ष नहीं कर पाए आर्यन खान का, जिसके बाद 20 तारीख तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया है आर्यन खान का? चित्रा, दलीलें मजबूत थी या नहीं ये अभी बुधवार को पता चलेगा जब बेल का वर्डिक्ट आएगा, बेल उनको दी जाती है या फिर उनकी खारिज की जाती है अर्जी, ये पता चलेगा कि किसकी दलील उस वक्त ज़्यादा स्ट्रांग रही। लेकिन अलग अलग दलीलें जैसा कि जिसका जिक्र आपने किया, ये अलग अलग दलीलें आज दी गई थी। इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग का भी इसमें मुद्दा लाया गया, इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग जिसे कहा गया प्रोसिक्यूशन की तरफ से, इंडल्ज इन इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग, हार्ड ड्रग्स मिले थे और जिस तरह के व्हाट्सएप चैट मिले हैं, जिस तरह के व्हाट्सएप चैट किए गए थे उससे ये सिर्फ मामला कंजम्पशन। कमलेश सुतार के पास हम चलेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, दोबारा उनका हम रुख करेंगे। आपको बता दें हमारे संवाददाता की ओर से जानकारी दी गई है कि चूंकि जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा गया है, 20 अक्टूबर को ही इस पर फैसला आएगा। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी वजह रही जिसके कारण फैसला सुरक्षित रखा गया और आज इस पूरे मामले में कोई भी फैसला नहीं सुनाया गया? क्या देरी हो गई थी इस वजह से, क्योंकि कल त्योहार है दशहरा, उसके बाद आगे चूंकि छुट्टियों का दिन शुरू हो रहा है, सोमवार को भी छुट्टी है, तो इस वजह से
पहले से ही कयास तक रहे थे कि अगर आज जमानत नहीं मिलती है तो फिर उनको कई दिनों तक जेल के भीतर रहना पड़ेगा और वही स्थिति रही। 20 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा कि आर्यन को जमानत मिलती है या फिर नहीं। आज 14 अक्टूबर है, यानी कि अगले 6 दिन भी आर्यन खान को जेल के भीतर ही काटने पड़ेंगे। आपको बता दें, जो वकीलों की ओर से दलील दी गई, एक बार फिर से आपको बताते हुए उसके बाद अपने संवाददाता का हम रुख करेंगे, जो कोर्ट में आर्यन खान के वकीलों की ओर से दलीलें दी गई, ड्रग रेव पार्टी से जुड़े कोई मैसेज और चैट नहीं थे उनके पास। आर्यन खान काफी समय से विदेश में थे, उन देशों में कभी कभी बहुत सी चीजें वैध होती है। मुझे नहीं पता कि किस तरह की चैट है, साजिश और अटकलों की संभावना मुझे इस पूरे मामले में रोक नहीं सकती। ये बातें कही गई हैं वकीलों की ओर से। कमलेश सुतार, कमलेश हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। कमलेश, हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि आखिर कौन सी बड़ी वजह रही कि आज जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा गया और अब 20 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि आर्यन खान के वकील तो बार बार इसी कोशिश में थे कि आज उनको राहत मिल जाए। जी, हमने देखा है चित्रा किस तरह से दलीलें पिछले कुछ दिनों से दी जा रही है, लेकिन लगातार एक चीज पर रुक रहा कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी, जिसे डीले टैक्टिक्स कहा जा रहा है। जिस तरह से एनसीबी के लॉयर लेट आए थे, आज भी पिछली बार भी इस तरह के आक्षेप लिए थे आर्यन खान की टीम ने कि इसमें वक्त जाया हो रहा है, आज इस तरह के आरोप कोर्ट के बाहर भी लगे। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि उनके दामाद के बेल के टाइम पे भी इसी तरह का डीले टैक्टिक्स किया गया था और कुछ इसी तरह के डीले टैक्टिक्स इस बार आर्यन खान के केस में भी दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल, कोर्ट के बाहर के मामले को छोड़ते हुए, कोर्ट में आज अलग अलग दलीलें दी गई थी जिस वजह से ये फैसला सुरक्षित रखा गया, उसकी वजह की कई सारे साइटेशन दिए गए, कई सारे पिछले केसेस। मुस्तफा शेख हमारे साथ कमलेश जुड़ चुके हैं, उनके साथ कोई वकील भी मौजूद है। मुस्तफा, बातचीत कीजिए। I just want to say that the matter has been heard substantially. The learned, the Honorable Court has reserved the orders and the order will be pronounced on the 20th of this month. So what do you want to say on the WhatsApp chat? Those were constantly being said. They have said that we have made our submissions. Let us see what view the court takes. Thank you very much. Sir, ek minute. Courtani order reserve keleli ahe ya matter madhe 20 tarike paryanta. तारखेला डेट आहे ऑर्डरची, तब अभी कोर्ट ने लंबे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद, दलीलें सुनने के बाद ऑर्डर्स रिजर्व किया है। ऑर्डर्स अभी कोर्ट 20 तारीख को देंगे। सर, कई बात चली है जिसमें फॉरेन एंगल है, एमए की मदद ली जा रही है, ये सब आर्ग्यू हो चुका है। अभी कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट क्या फैसला सुनाए। कई साइटेशन दोनों साइड का जिक्र किया गया है। अभी कोर्ट जो व्यू लेगी वो अभी ऑर्डर के बाद ही पता चलेगा। एनसीबी लॉयर जो सेतना है वो यहाँ पर थे। एएसजी अनिल सिंह भले ही आर्ग्यू कर रहे थे, लेकिन जो बचाव पक्ष के जो प्रोसिक्यूशन लॉयर है सेतना, वो अभी यहाँ से निकले हैं। उन्होंने कहा है कि 20 तारीख को ही कह पाएंगे कि जो भी दलीलें इस वक्त दी गई थी कोर्ट में, वो दलीलें खारिज की गई है या फिर एक्सेप्ट की गई है। चित्र पास में फॉरन लॉक दूंगी। कमलेश, एक बार आपका रुख करते हुए, आपको बीच में टोकना पड़ा था, अब पूरे मामले में आगे क्या होगा? 20 तारीख तक इंतजार करने के अलावा अब कोई चारा बचा नहीं है आर्यन खान और उनके वकीलों के पास। जी, और ये भी नहीं कह सकते कि बुधवार को उनको राहत ही मिलेगी या नहीं। जिस तरह से कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, इतनी सारी दलीलें दी गई है एनसीबी की तरफ से और उसको काउंटर किया गया है आर्यन खान की टीम की तरफ से। अभी सारे साइटेशंस को कोर्ट देखेगी, क्योंकि इतने सारे साइटेशन हमें बताया जा रहा है कि 50 के ऊपर साइटेशन कोर्ट को दिए गए, इनका अभ्यास कोर्ट करेगी और उसके बाद में बुधवार को यह फैसला आ सकता है। फैसला आर्यन खान के पक्ष में ही आएगा या नहीं आएगा, ये तो हम आज नहीं कह सकते, कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन अलग अलग दलीलें हैं, अलग अलग चीज़ों पर स्ट्रेस किया गया है दोनों टीम्स की तरफ से। ये भी बताया गया है कि इंटरनेशनल ड्रग्स का मामला है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी इन्वॉल्व है, उनसे जानकारी लेनी। हालांकि आर्यन खान की टीम ने इसे एब्सर्ड कहा है, ये सारे एलिगेशन ड्रग ट्रैफिकिंग के एलिगेशन एब्सर्ड है। व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया जा रहा है, तो आर्यन खान की टीम ने कहा कि ये यंगर जनरेशन है, नई जनरेशन है, इनकी चैट करने की अलग भाषा होती है जो किसी और को सस्पिशियस लग सकती है। लेकिन इससे इस बात तक जाना, इस तय तक जाना कि इसमें इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग हो सकती है, जरा फार फेच्ड उन्हें लग रहा है। और एक और दलील दी गई कि ये जो बेल मांगा जा रहा है, लिबर्टी मांगी जा रही है, वो बेल के लिए है, ना सिर्फ न कि उन्हें इस केस से पूरी तरह से मुक्त करने के लिए, रिहा करने के लिए। सब चीजें जो है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद में ट्रायल जब शुरू होगा केस का, उस वक्त की जा सकती है। फिलहाल इस मोमेंट की जो इंपॉर्टेंट चीज है उनके लिए, उनका कहना है कि बेल देना ज्यादा जरूरी है, आर्यन खान की लिबर्टी इस वक्त इंपॉर्टेंट है, इसके लिए उन्होंने आर्ग्यू किया है। ये दलीलें दिन भर चली और पिछले कुछ दिनों से हमने लगातार देखा इस मामले को,
को लेकर ये दलीलें दी गई थी, और इसीलिए इन सभी चीजों के मद्देनजर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। बुधवार के दिन इस पर शायद फैसला हो सकता है। 5 दिनों की छुट्टी है, दशहरा है, उसके बाद में ईद है, सैटरडे संडे है, शनिवार रविवार के बाद में पूरे 5 दिनों की छुट्टी के बाद में आर्यन खान को शायद राहत मिल सकती है। देखना पड़ेगा मिलेगी भी या नहीं, लेकिन उनको आर्थर रोड में ही रहना पड़ेगा, आर्थर रोड जेल में। हालांकि कल तक क्वारंटीन में थे, अलग थे, लेकिन अब उन्हें सामान्य कैदियों के साथ में ये आने वाले 5 दिन बिताने पड़ेंगे। बिल्कुल, ये आगे आने वाले 5 दिन फिलहाल तो उनको जेल के भीतर ही गुजारने पड़ेंगे। राहत नहीं मिली आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे, आज उनके वकीलों को पूरी उम्मीद थी, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इस वजह से 20 अक्टूबर को ही उनके भविष्य पर फैसला होगा कि जेल में ही रहेंगे या फिर उनको जमानत दे दी जाए, लेकिन 20 अक्टूबर तक का इंतजार उनके परिवार को, आर्यन खान को, उनके वकीलों को करना पड़ेगा। मुस्तफा शेख भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुस्तफा, एक बार आपका रुख करते हुए हमारे दर्शकों को बताइए कि कोर्ट के भीतर क्या कुछ हुआ डिटेल में, और आज फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, वो भी तब जब आगे आने वाले वक्त में तमाम छुट्टियां पड़ने वाली हैं और 20 अक्टूबर को अब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, लेकिन कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, आर्यन के वकीलों की ओर से क्या दलीलें दी गई, उसके बारे में जानकारी दीजिए आप। जी बिल्कुल, एक बात तो साफ है कि जो आर्गुमेंट्स किए गए थे वो काफी शायद ज्यादा लंबे हो गए, इसलिए कोर्ट का जो आज का समय था वो भी खत्म हो गया। हो सकता है कि अगर 4 बजे तक अगर आज आर्गुमेंट्स खत्म कर दिए जाते तो शायद कोर्ट छुट्टी पर जाने से पहले ये फैसला सुना देता, लेकिन 24 घंटों तक चले हुए, आप कह सकते हैं कि कल भी ये आर्गुमेंट हुआ था, आज भी इस केस पे आर्गुमेंट हुआ, तो कई घंटों के आर्गुमेंट्स है। इसे नोट डाउन करने में और उस पर फैसला देने में थोड़ा वक्त कोर्ट को भी लगेगा, और कोर्ट ने शायद 20 तारीख का आया है, 20 तारीख को कंफर्म ऑर्डर आ जाएगा या नहीं इस पर भी पुष्टि नहीं है। पूरे दिन की अगर आप बात करें तो एएसजी अनिल सिंह जो एनसीबी को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनसे केस की शुरुआत हुई, उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पूरे केस के सामने रखे, जिसमें बताया कि एक ऐसा पंचनामा है जिस पंचनामे में आर्यन ने कबूली दी है कि अरबाज मर्चेंट के साथ जब वो पकड़े गए थे जो ड्रग्स बरामद हुआ था वो ड्रग्स वो दोनों के कंजम्पशन के लिए था, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि एक ये बड़ी बात बताई गई एनसीबी की तरफ से। दूसरी बड़ी बात बताई गई शौविक चक्रवर्ती का केस, जिसमें व्हाट्सएप चैट्स के आधार पर ही पूरा मामला बिल्ड किया गया था, और शौविक चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी, कई महीनों तक उन्हें जेल के पीछे रहना पड़ा था। दूसरा बड़ी बात यह बताई गई कि व्हाट्सएप चैट्स की अगर आप बात करें तो व्हाट्सएप चैट में एक जो फॉरेन नेशनल के साथ बातचीत है, और उसकी आप कह सकते हैं एनआईए की मदद लेकर उस शख्स को ढूंढा जा रहा है जिसके आर्यन खान के साथ चैट है ड्रग्स को लेकर, वो सारी जो दलीलें हैं वो दी गई, कई केसेस के साइटेशन दिए गए। उसके बाद ये भी कहा गया कि यूथ सुधरे, ड्रग्स की राह पे ना जाए, ये देश के लिए जरूरी है, ठीक है, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन एक और जानकारी आपसे मैं जानना चाहूंगी, ठीक है मुस्तफा, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आज जो एनसीबी के वकील हैं वो कोर्ट के भीतर देरी से पहुंचे थे, जिसके बाद एनसीबी को माफी मांगनी पड़ी कोर्ट से, और उसके बाद चूंकि वकील देरी से पहुंचे थे, देरी से सुनवाई हुई, इस वजह से फैसला आज नहीं आ पाया, और अब ये फैसला 20 अक्टूबर को आएगा। मुस्तफा, देखिए एनसीबी को इस केस में जो शख्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो महाराष्ट्र के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, और उनके पास कई ऐसे महत्वपूर्ण केसेस होते हैं। उन्होंने कोर्ट को कहा था कि उन्हें आधे घंटे का समय देर होगी आने में, उसके बाद जो महाराष्ट्र शिवसेना के जो एक्स एमपी है उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टर के केस में राहत मांगी थी, वो राहत ना मिले इससे चैलेंज कर रहे थे, और वो जजमेंट आने के बाद जो अनिल सिंह है वो सेशंस कोर्ट में पहुंचे। लेकिन ये बात भी देखने वाली होगी कि अनिल सिंह ने अपने जो आर्ग्यूमेंट्स है वो 3:30-4 बजे तक खत्म कर दिए थे, लेकिन डिफेंस के आर्ग्यूमेंट थे जो वो भी रिजेंडर आर्ग्यूमेंट्स थे जो 5 बजे तक शाम के चलते रहे, तो इसमें ये भी कहना सही नहीं होगा कि वक्त की कमी थी या देरी से पहुंचे, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कोर्ट्स में जो प्राइवेट लॉयर्स भी कोई समय मांगते हैं, डिले होता है, दूसरे कोर्ट में होने की वजह से इतना समय लगता है, तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो एक प्रोसीजरल इशू के तौर पर है, खाली है, ये उसका एक पक्ष है। यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें, बीते 2 अक्टूबर से आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ी हुई है, जिस क्रूज से उनको पकड़ा गया था तब से लेकर आज तक कई बार उनकी रिहाई की कोशिशें उनके वकीलों की ओर से की गई, लेकिन हर बार निराशा उनको हाथ लगी। आज पूरी उम्मीद की जा रही थी क्योंकि त्योहार अब शुरू होने वाले हैं, तो माना जा रहा था कि आज कम से कम उनके वकील उनको राहत दिला देंगे, लेकिन आज भी उनको राहत नहीं मिल पाई, वो इसलिए क्योंकि सुनवाई तो पूरी हो गई है लेकिन फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है। 20 अक्टूबर को इस पूरे मामले में फैसला आएगा, क्या उनको राहत मिलती है या फिर राहत नहीं मिलती है। लेकिन दो बातें जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई है, जो एनसीबी के वकील ने आज चूंकि उनकी देर से एंट्री हुई थी कोर्ट में, तो उनकी ओर से एनसीबी की ओर से माफी मांगी गई,
देरी से आने पर वकील के। वही दूसरा पक्ष यह भी है कि दरअसल इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के साथ गठजोड़ की बातें बार बार कही जा रही हैं, इसी वजह से आर्यन खान को इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, वो भी तब जब पहले ही एनसीबी की ओर से कहा जा चुका है कि उनके पास से किसी भी तरह का कोई ड्रग बरामद नहीं हुआ है। लेकिन व्हाट्सएप चैट वो महत्वपूर्ण है और उसके जरिए कहा जा रहा है कि बहुत सारे अहम सबूत एनसीबी के हाथ लगे हैं, इसी वजह से एनसीबी का पक्ष यहां पर मजबूत है। एक बार सीधे सौरभ पक्तानिया का रुख करते हुए, सौरभ आप जहां पर मौजूद हैं, आप बीते 2 तारीख से सौरभ के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, सीधे कमलेश आपका रुख करते हुए, 2 अक्टूबर के बाद से ही लगातार आर्यन की मुश्किलें बढ़ी हुई है। मैं चाहूंगी कि अगर बीते इतने दिनों तक जो सुनवाई हुई कोर्ट के भीतर जो दलीलें रखी गई उसको अगर आप समाप्त करके हमारे दर्शकों को बता पाए कि किस तरह से दलील पे दलील रखी गई, बड़े बड़े वकील हायर किए हैं शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन की रिहाई के लिए, लेकिन बार बार उनको निराशा ही हाथ लग रही है। हालांकि आज तो फैसला सुरक्षित रखा गया है लेकिन 20 तारीख तक तो उनके लिए मुश्किल ही है, जेल में रहेंगे आर्यन खान। जी, शुरुआत से अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो शुरुआती दिनों में सिर्फ ये रेव पार्टी को लेकर मामला था, जिसके बाद में कई सारे नई गिरफ्तारियां आई, नए खुलासे इस केस में आए, कुछ इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग का मामला भी इस पूरे मसले में सामने आया। साथ ही साथ नए अरेस्ट जिस तरह से हो रहे थे, नए खुलासे को लेकर कस्टडी मांगी जा रही थी और कस्टडी इंटरोगेशन चाहिए था। मैं इस वक्त ना चित्रा रुक करना चाहूँगा विद्या का, हमारी संवाददाता जो इस केस को पूरी तरह से पहले दिन से कोर्ट के अंदर फॉलो कर रही थी। विद्या, हम बातचीत कर रहे थे चित्रा के साथ में इस वक्त कि किस तरह से ये पूरा मामला 2 तारीख से लेकर आज तक चलता आ रहा है, कोर्ट की जो दलीलें रही है, अलग अलग चीजें हमने देखी है इस पूरे मामले में उभरते हुए, आखिरकार आज भी फैसला नहीं हुआ, किस तरह से पूरा मामला रहा है 2 तारीख से लेकर आज तक अगर बात की, किस तरह की दलीलें रही है पूरे केस में? देखिए, अगर इस पूरे मामले में अगर आप देखें, मजिस्ट्रेट कोर्ट में दलीलें अलग थी लेकिन यहाँ पर जो दलीलें हैं वो मेरिट्स पे आर्ग्यू हुए हैं, वहां पर मेंटेनेबिलिटी पे आर्ग्यू हो रहा था। यहाँ पर मेरिट्स पे जब उन्होंने आर्ग्यू किया तो सबसे अहम बात इनका यही कहना है कि पोजिशन में कुछ नहीं है, कुछ मिला नहीं है हमारे साथ, सिर्फ आपके पास एनसीबी के पास स्टेटमेंट है कि हम आज शिप पर अरबाज के साथ जा रहे थे और उसके साथ हमको मजा मस्ती करना था, यही स्टेटमेंट है। इसके अलावा व्हाट्सएप के चैट्स हैं जो कि इनएडमिसिबल है अभी स्टेज पे भी, क्योंकि उनका कहना है जब तक इसका कोरोबरेटिव एविडेंस नहीं मिलता। एमईए का इन्वॉल्वमेंट कर बता के एनसीबी का कहना है कि उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से बात की है, जो व्हाट्सएप चैट्स में कुछ ड्रग डीलर से बात हो रही थी उनसे, उनको पकड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं और अगर इनको बेल मिल गया तो वो इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो जाएगा। लेकिन आर्यन खान के वकीलों का साफ साफ कहना है कि आप इन्वेस्टिगेट करिए ना, आपको कौन मना कर रहा है, लेकिन लिबर्टी जो है इंसान का उसको आप सिर्फ इस वजह से नहीं कटेल सकते कि आपको फॉरेन में किसी का इन्वेस्टिगेशन करना है, किसी को वहां से पकड़ के लेके आना है। तो तमाम दलीलें जो दी गई हैं और लंबी चौड़ी आप समझ लीजिए पूरा एक दिन का बहस है इस पूरे मामले में, तो जज को थोड़ा समय तो लगेगा ही। चीज और जहां पर बात की जा रही थी कि जो डीले हो रहा है इसका कोर्ट के अंदर भी हमने इसका जिक्र होते हुए देखा, कोर्ट के बाहर भी जो डीले हो रहा है, डीले टैक्टिक्स के बारे में क्या ऐसी कुछ घटनाएं हुई है, क्या इस तरह कुछ निर्देश कर रही चीजें कि ये डीले हो रहा है इस केस में या डीले टैक्टिक्स की जा रही है? कमलेश जी, जहां मामले अगर बड़े लोग आते हैं वहां पर बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो अब डीले अब कैसे, जैसे अब मान लीजिए एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल उनका हाईकोर्ट में पहले से ही मामला था, शिवसेना के नेता एमपी का अनंतराव अडसूल का जो पूरा मामला है वो उन्होंने कल से ही अदालत को बताया हुआ था कि उसमें मुझे जाना है, तो उसमें वहां पर डिले हुआ, उन्होंने अदालत में बताया कि मैंने हाईकोर्ट को बोला कि मुझे ये वाले मामले में जाना है लेकिन हाईकोर्ट ने बोला नहीं इंतजार करिए, तो जानबूझ के इसमें कोई करने की कोशिश कर रहा ऐसा नहीं है। लेकिन राजनीतिक आरोप हो रहे, बाहर भी हो रहे। चित्रा, जिस तरह से विद्या हमें बता रही थी कि अलग अलग स्टेजेस पे जिस तरह से हमने कोर्ट की हियरिंग देखी है, अलग अलग इसमें मुद्दे आए हैं और सबसे अहम मुद्दा था जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में हियरिंग हो रहा था, सेशन कोर्ट में इस वक्त हियरिंग हो रहा है, अलग अलग मुद्दे यहाँ पे उपस्थित किए जा रहे हैं। हालांकि आज का जो मुद्दा था दिन भर जो चला वो व्हाट्सएप चैट को लेकर, क्या इसमें इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग का मुद्दा है जिसको वेहमेंटली अपोज किया है अमित देसाई ने, जो आर्यन खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंटरेस्टिंग तरफ, दोनों तरफ से दलीलें दी गई है, दोनों ने पुरजोर तरीके से जोर लगाया है लेकिन बावजूद इसकी आर्ग्यूमेंट आज तक पूरी नहीं हो पाई। ये बात तो पहले ही साफ थी कि 5 दिनों की छुट्टी कोर्ट को होने वाली है और उसके बाद में ही इसका हियरिंग हो सकता है अगर आज दलीलें पूरी नहीं हुई। दलीलें पूरी तो हो गई है लेकिन जो साइटेशंस दिए गए, मेरे हिसाब से 50 के ऊपर साइटेशंस कोर्ट को दिए गए, उसको कोर्ट अब स्टडी करेगी और उसके बाद में फैसला आएगा। फैसला क्या आएगा, आर्यन खान के पक्ष में होगा, इनके विरोध में होगा, ये आगे की बात है। लेकिन ये सारी चीजें हो चुकी है कोर्ट में, हम 2 तारीख से देख रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगी आप वो ग्राफिक्स दिखाइए कि आज कोर्ट के भीतर किस तरह से दलीलें रखी गई और आर्यन खान के वकील उम्मीद कर रहे थे कि शाम होते होते फैसला आ जाए लेकिन फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है। 20 तारीख को अब यह फैसला होगा कि आर्यन खान को बेल मिलती है या फिर जेल के भीतर ही वो रहेंगे। एनसीबी के अधिकारी बार बार उनकी ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल आर्यन खान
के खिलाफ पूरे सबूत है हमारे पास। उनके व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग में ये शामिल रहे हैं और इसी वजह से यकीनन आर्यन खान को बार बार हमने पिछले समय भी देखा कि इस तरह से बेल के लिए जब भी सुनवाई हुई तब भी उन्हें राहत नहीं मिली है। और आज तो फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है। 20 तारीख को वो ग्राफिक्स आप दिखाइए जिसके जरिए कम से कम हम बता सकें कि दोनों ही पक्षों की ओर से किस तरह की दलीलें आज कोर्ट के भीतर रखी गई, लेकिन आज भी राहत नहीं मिल पाई है। फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है और अब 20 अक्टूबर को इस बारे में देखिए, यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं एएसजी अनिल सिंह की ओर से क्या क्या बातें रखी गई। ड्रग्स नहीं मिलने पर भी धारा 37 लागू होती है, साजिश में सीधे सबूत मिलना जरूरी नहीं है, जो बार बार कहा जा रहा है कि आर्यन के खिलाफ अगर सीधे सबूत नहीं है तो फिर उनको जेल में रखने का क्या मतलब है। एनडीपीएस एक्ट के तहत ये संगीन जुर्म है, ये बातें एएसजी अनिल सिंह की ओर से कोर्ट के भीतर आज रखी गई हैं। आरोपियों की युवा होने की दलील से इनकार करता हूं, जो बार बार कहा जा रहा है कि दरअसल आरोपी बहुत युवा हैं, इस वजह से आप उनको मौका दीजिए, आप हमारी भविष्य की पीढ़ी हैं, इसका भी जिक्र करते हुए अनिल सिंह यहां पर नजर आए। उन्होंने कहा कि आप हमारी भविष्य की पीढ़ी हैं, इसी वजह से इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेना होगा। महात्मा गांधी ने ऐसी आजादी की जंग ऐसे ही नहीं लड़ी थी, यानी कि महात्मा गांधी का भी जिक्र अंदर हुआ। जांच अभी शुरुआती दौर में है और ऐसे में बेल देना सही नहीं है। एनसीबी की ओर से जो लोग पक्ष रख रहे थे उनकी ओर से ये दलीलें रखी गई हैं। ड्रग्स नहीं मिलने पर भी धारा 37 लागू होती है और एनसीबी का ये पक्ष रहा, वहीं दूसरी तरफ जो बचाव पक्ष है उसने भी अपनी दलीलें रखी। फिलहाल दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है। कोर्ट के भीतर क्या क्या हुआ वो हम आपको दिखा रहे हैं। फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है, यानी कि बेल या जेल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फैसला सुरक्षित है। आज जो हियरिंग यहां पर हुई है और ये फैसला इस पर अब 20 अक्टूबर को आएगा। सीधे रुक कर लेते हैं सौरभ वक्ता ने, हमारे संवाददाता में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन विशाल शर्मा शाहरुख के घर के बाहर मौजूद हैं। विशाल, जाहिर तौर पर जब से यह खबर सामने आई है शाहरुख के घर के बाहर और अंदर भी हमने देखा है कि किस तरह से सन्नाटा छाया रहता है, अभी शाहरुख खान क्या है, कहां है, क्योंकि उनका कोई भी पक्ष 2 तारीख के बाद से आर्यन खान वाले मसले पर सामने नहीं आ पाए हैं। कोई भी जानकारी आपको मिली है क्या, कोई भी पक्ष अब जब 20 तारीख को इस पर फैसला होगा तो कोई भी जानकारी वहां से जहां मन्नत पर आप खड़े हैं? विशाल जी, चित्रा जी अगर बात की जाए शाहरुख खान 2 तारीख से लेकर अभी तक ना ही मीडिया में आए हैं ना ही किसी से मिले, हालांकि जो उनके जो करीबी जो हैं वो उनसे ही मिल रहे हैं। जैसे कि सलमान खान यहाँ पे 2 से 3 बार आके मिल चुके हैं और कहा भी जा रहा है कि सलमान खान ने ही जो वकील उनको बदलने की रिक्वेस्ट की थी, जहाँ पे उनके वकील बदले गए। लेकिन जो आज जो फैसला आया है 20 तारीख तक आर्यन खान जेल में रहेंगे, ये जो 6 दिन है आर्यन के लिए बहुत ही कठिन के दिन होंगे, क्योंकि अब उन्हें क्वारंटीन से हटा के नॉर्मल जो बैरक होते हैं जहाँ पे हर बैरक में 6 से 7 कैदी रहते हैं वहां पे रखा जाएगा। और ये भी सुनने में आया था कि आर्यन खान को जेल का खाना नहीं अच्छा लग रहा था, जिसके वजह से उन्होंने कुछ कूपन लिए थे जेल से ताकि वो वहां पे स्नैक्स और कुछ ले सके। लेकिन ये बात है कि अभी जब उनको ये पता चला होगा कि अभी वो 20 तारीख तक जेल में रहेंगे, कहीं ना कहीं आर्यन खान के लिए बहुत तकलीफ की बात है और कहीं ना कहीं शाहरुख और उनकी जो माता है गौरी वो भी बड़ी चिंतित होंगी, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि 2 तारीख से आज सीधा 20 तारीख तक अब आर्यन खान जेल में रहेंगे। बिल्कुल, अब 20 तारीख तक जेल में रहेंगे और जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि दरअसल मुश्किलें इस रूप में भी बढ़ी हुई हैं कि अब तक तो उनको कोरोना की वजह से अलग से क्वारंटीन किया गया था, लेकिन अब उसकी भी अवधि खत्म हो जाएगी, जिसके बाद क्या आम कैदियों के साथ उनको रखा जाएगा, कहां रखा जाएगा, इसके बारे में मुस्तफा शेख हमें और ज्यादा जानकारी देंगे। मुस्तफा, चूंकि कोरोना की वजह से कुछ दिनों क्वारंटीन का जो नियम है जेल प्रशासन का उसको फॉलो किया जा रहा था, अब चूंकि 20 अक्टूबर तक जेल में रहना है तो किस तरह के बदलाव होंगे इसके बारे में बताइए दर्शकों को आप। कमलेश, इस सवाल का जवाब आपसे। कमलेश, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जी बिल्कुल, मैं अपना सवाल दोहरा रही हूं कि चूंकि 20 अक्टूबर तक आर्यन खान को जेल के भीतर रहना होगा, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि चूंकि अब तक क्वारंटीन होने की वजह से उनको अलग बैरक में रखा गया था, लेकिन अब वो अवधि वो टाइम पीरियड भी खत्म होने वाला है, तो उसके बाद उनको कहां रखा जाएगा इस बारे में जेल प्रशासन की ओर से कोई जानकारी दी गई है क्या?
जी आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से, पिछले डेढ़ साल से जब से कोविड पैंडमिक का माहौल है, उस टाइम पे भी हर एक जेल में इस तरह का फैलाव ना हो इसलिए कई सारे कैदियों को छोड़ने का भी पैरोल पे फैसला किया था। इसके बाद में अब इस ये एक रूल था, एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता था कि जो भी नए ट्रायल के लिए यहाँ पर कैदी आते थे उन्हें इनमेट्स को पहले क्वारंटीन रहना पड़ता था, उनके जिसके बाद उनकी अगर कोविड टेस्ट नेगेटिव आती है तो ही उन्हें सामान्य कैदियों के साथ में उस एरिया में रहने को दिया जाता था। इस वक्त आर्यन खान अब तक क्वारंटीन वार्ड में थे, क्वारंटीन रूम में उन्हें रखा गया था अलग से। अब उन्हें चूंकि उनकी कोविड टेस्ट नेगेटिव आई है तो उन्हें बाकी सामान्य कैदियों के साथ ही रहना पड़ेगा। सामान्य कैदियों का जो कॉमन एरिया होता है वहीं पर वो उनके साथ में रहेंगे, उनके साथ में पूरी जगह शेयर करेंगे, जो भी जेल की कॉमन फैसिलिटीज हो, चाहे खाने की फैसिलिटीज हो, चाहे टॉयलेट बाथरूम की फैसिलिटीज हो, ये सब फैसिलिटीज कॉमन वो यूज करेंगे और उन्हीं के साथ रहेंगे अगले 5 दिनों तक। उन्होंने हालांकि ये रिक्वेस्ट किया हुआ है कि उन्हें होम फूड दिया जाए, इसके बारे में अभी तक अधिकृत जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए तो उन्हें जेल का ही खाना दिया जाएगा ऐसी जानकारी है। इसमें अगर कोई अपडेट आता है स्पेशली कि उन्हें अलाउ किया होम कुक फूड, चूंकि जब तक वो क्वारंटीन में थे तब तक उन्हें दिया गया था घर का खाना, लेकिन इसके बाद में उन्हें खाना दिया जाएगा या नहीं ये अभी देखना होगा। लेकिन सामान्य कैदियों की तरह उन्हें वहां पर रखा जाएगा, जो अंडर ट्रायल होते उनके साथ में आर्यन खान रहेंगे अगले 5 दिनों तक। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अगले 5 दिनों तक यानी कि 20 अक्टूबर तक जेल के भीतर ही रहेंगे। आगे क्या वो जेल में कंटिन्यू करेंगे या फिर उनकी रिहाई हो जाएगी, 20 अक्टूबर को इस बारे में फैसला होगा। दिवेश सिंह भी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवेश, जेल की रोटी, जेल का खाना ही खाना पड़ेगा। बाहर से हालांकि जानकारी ये भी आई थी कि क्वारंटीन पीरियड के दौरान अलग से पैसे दिए जाते हैं जेल प्रशासन को, बकायदा उसके लिए भी कुछ नियम है जिसके बाद उनको घर से खाना लाने की छूट थी, लेकिन अब सामान्य कैदी जैसा ही उनको रहना होगा और कैदियों के साथ ही उनको बैरक शेयर करना होगा। एक बैरक में कुल कितने कैदी होते हैं इस बारे में कोई भी जानकारी आपको मिल पाई है क्या दिवेश? जी चित्रा, आपको बता दें कि अभी जो हमें जानकारी मिली है जेल जेल डिपार्टमेंट के सूत्रों से वो यही है कि जेल का ही खाना दिया जा रहा है, जेल में जो खाना बनता है अन्य कैदियों के लिए वही खाना दिया जा रहा है आर्यन खान को, उन्हें वही सारी फैसिलिटीज़ है जो अन्य कैदियों को, जो अन्य अंडर ट्रायल आर्थर रोड जेल में बंद हैं वही उन्हें फैसिलिटीज़ हैं। कुछ पैसे मनी ऑर्डर के द्वारा दिए जाते हैं, जेल में एक छोटी सी कैंटीन होती है जिसमें बिस्किट, ब्रश, टूथपेस्ट ये सारे सामान मिलते हैं, वो सामान वो वहाँ से खरीद सकते हैं और उसके अलावा किसी अन्य चीज़ की फैसिलिटी उन्हें नहीं है। अगर घर का खाना उन्हें खाना है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, कोर्ट से भी परमिशन लेनी पड़ती है और जब अप्रूवल मिलता है उसी के बाद, अभी तक ऐसा कोई भी अप्रूवल आया नहीं है इसीलिए उन्हें जेल का ही खाना दिया जा रहा है। एक बैरक में कम से कम 70 से 80 अंडर ट्रायल रहते हैं, छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं बैरक के अंदर और उन बैरक्स में कैदियों को रखा जाता है और उन बैरक्स में किसी बैरक में 2 किसी में 3 ऐसे कैदी भी रखे जा सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि पहले से ही जो अंडर ट्रायल्स थे जो इस केस के हैं वो भी आर्यन खान के साथ आर्थर रोड में मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि आर्यन खान चूंकि शाहरुख खान के बेटे हैं तो क्या उनको अलग से कोई, चूंकि उनकी सुरक्षा को लेकर भी एक कंसर्न यकीनन जेल प्रशासन के भीतर होगा, लेकिन जेल के अंदर आने के बाद आम और खास में किसी तरह का फर्क रह नहीं जाता है, तो क्या बिल्कुल आम कैदियों जैसा वो रहेंगे? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है और इस वक्त हमारे साथ एनसीबी के पूर्व डायरेक्टर उमाकांत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही हमारे साथ थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील माजिद मेमन भी मौजूद रहेंगे। लेकिन उमाकांत मिश्रा जी, सीधे आपका रुख करते हुए हमारे दर्शकों को बताइए कि एनसीबी के पक्ष वो कौन कौन सी बातें जाती रही, हालांकि आज तो फैसला सुरक्षित रखा गया है लेकिन पूरी उम्मीद की जा रही थी क्योंकि शाहरुख खान ने अपने वकील को भी बदल लिया, अब उसके बावजूद उनको राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दी और अब 20 अक्टूबर को फैसला होगा कि जेल में ही रहेंगे या फिर बेल मिल जाएगी शाहरुख के बेटे को, वो कौन कौन सी बातें रही जो एनसीबी के पक्ष में पूरी मजबूती के साथ खड़ी रही है इस केस में? देखिए, ये बहुत ही नेशनल स्टेज है, इसको हम कहते हैं कि बहुत ही इंट्रोडक्टरी स्टेज है किसी केस का जी। तो इसी वक्त जो भी चीजें सामने कोर्ट के रखे जाते हैं वो बिल्कुल जो सेक्शन के ऑफेंस जो सेक्शन में आते हैं उसी को जो उनको एक्यूज पर्सन कमिट किया गया बोला जाता है या वहाँ सेक्शन के मेंशन होते हैं उसी के ऊपर वो चलते हैं और उसी से रिलेटेड जो तथ्य है, जो उनका रोल है, उस रोल के हिसाब से ये करके ये सारे चार्जेस जो सेक्शंस हैं एनडीपीएस के वो लगाए जाते हैं। जैसे 8 लगाया गया है, 20
बी लगाया गया है, 28 लगाया गया है, 29 लगाया गया है, 27 ए भी लगाया गया है, मैं सुन रहा हूँ। ये सारे जो चीजें हैं जो 27 तक बात से, आज तो एक जनरल प्रोहिबिशन का है वो तो हर ऑफेंस में लगेगा, लेकिन जहां तक बाकी सब सेक्शन से देखिए, हम जब इलिसिट ट्रैफिक, एनडीपीएस एक्ट में एक वो शब्द है इलिसिट ट्रैफिक जी, इलिसिट ट्रैफिक जो है वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव शब्द है। आप अगर पनिशमेंट, क्राइम और पनिशमेंट के बारे में जब आएंगे, वही इलिसिट ट्रैफिक को डिविजन करके कम से कम 16-17 सेक्शन है, 15 से 32 सेक्शन तक एक पर्टिकुलर ऑफेंस को डिफाइन करते हैं और उसी के हिसाब से पेनल्टी तय होता है जी। आप ये मान लीजिए एक वर्ड इलिसिट ट्रैफिक को कम से कम 15 से 32 मतलब कम से कम 18 सेक्शन में पनिशमेंट के लिए डिवाइड किया है। सो दी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी है, तहकीकात के दौरान जो भी उनका स्टेटमेंट हुआ, जो भी तथ्य मिले, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे कुछ भी हो, उस हिसाब से जो तथ्य को एक साथ रख के ये जो 15 से 32 सेक्शन के अंदर वो सारा एक उनके अगेंस्ट में चार्ज किया जाता है कि हाँ आपका रोल से ये साबित होता है कि आपके अगेंस्ट में ये चार्ज लगेगा। ठीक है उमाकांत जी, लेकिन जो वकील आर्यन खान के वकील है उनकी ओर से दलील ये सामने रखी गई है कि देखिए विदेशों में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मान्य होती है, वहां पर दूसरे कंट्रीज में लागू होती है, व्हाट्सएप चैट के आधार पर सिर्फ उसके बारे में एक धारणा बना लेना और उसके खिलाफ इस तरह से मजबूत केस को तैयार करके ये दिखाना कि दरअसल ये अपराधी, ये पूरी तरह से गलत है उनकी ओर से। बिल्कुल हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई कोई एक तरफा, कोई एक ही एविडेंस में वो कोर्ट को कन्विंस नहीं किया जा सकता है कि भाई ये जो चार्ज लगाया गया है वो सही है। शुरू से जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, सब हर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोरोबोरेशन के ये में रहते हैं कि एक तथ्य जो मिला दूसरे तथ्य से वेरीफाई हो, तीसरे तथ्य से भी उसको वही चीज निकले, उसी हिसाब से कोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है। अभी कितना उसमें एविडेंस है, अभी तक जो बेसिक बातें खुल के सामने आई है, पोजेशन नहीं है, कंजम्पशन है, लेकिन कंजम्पशन उनका ड्रग टेस्ट हुआ या नहीं हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ या नहीं हुआ, उनका अगर कोई ट्रेस क्वांटिटी मिला हासी से कोकेन या किसी का, तो खाली कई बार मेडिकल टेस्ट के लिए तो एनसीबी के अधिकारी लेकर गए थे आर्यन खान को। एक और सवाल मेरे से जी, होगा जरूर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये कोरोबोरेशन के हिसाब से अगर चलेंगे तो कोर्ट भी कन्विंस्ड होगा, अगर कोई कोरोबोरेशन वहां नहीं होगा तो कोर्ट माइट स्क्रूटिनाइज की भाई ये बड़ा इनिशियल स्टेज है, यहाँ एविडेंस में कितना वेट है ये नहीं देखा जाता, एक प्राइमा फेसा अगर देखते हुए अगर वहां हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, लीगल प्रोविजन क्या है। अभी 37B के लीगल प्रोविजन में मेल हर कोई ऑफेंस जो है नॉन कॉग्निजेबल है, नॉन अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन जहां तक वो कंजम्पशन की बात आती है, खाली अगर 27 सेक्शन की बात करें तो उसको बेल दिया जा सकता है, लेकिन जो 27 के साथ 27A लगता है या 29 लगता है उसमें वो इक्वेशन बदल जाता है। दो चीजें हैं उमाकांत मिश्रा जी, आर्यन के केस में दो चीजें जो निकल कर सामने आई है, पहला ये कि वो उस क्रूज शिप पर मौजूद थे जहां से ड्रग्स की बरामदगी हुई, दूसरे लोगों से इनके पास से बरामदगी नहीं हुई लेकिन माना जा रहा है कि इन्होंने कंज्यूम किया था। दूसरी चीज है उनका व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप चैट बहुत मजबूत एक कड़ी बन रहा है एनसीबी के लिए, क्योंकि एनसीबी इसके जरिए इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग के जरिए इस पूरे के पूरे मामले को जोड़कर जांच को आगे बढ़ाना चाहती है। तो क्या देखिए जी, देखिए अब अगर केस का प्रोग्रेशन देखेंगे, एक क्रूज शिप था वो जा रहा था बॉम्बे से गोवा, उसमें 1300 आदमी थे, एनसीबी के पास एक इंफॉर्मेशन मिला कि वहां रेप पार्टी होने वाला है, उन्होंने चढ़ा, चढ़ के 11 या 12 जितने भी आदमी लाए उनमें से ये करके फिर 8 आदमी को ये किया गया, उसमें से अभी तक जो है 20 आदमी अरेस्ट हो गए, लेकिन उन खाली 4 के पास जो है ड्रग्स का पोजीशन मिला, बाकी सब इधर कॉन्स्पिरेसी में होंगे या अटेम्प्ट में होंगे या प्रिपरेशन में होंगे या कंजम्पशन में होंगे, इट्स वेरी निबले, लेकिन वो 4 आदमी से जो मिला किन हालातों में मिला, व्हाट इज द सीक्वेंस, व्हाट इज द कॉज एंड इफेक्ट, कि वो 4 जिन जिन से मिला उनका इनसे बाकी सब 8 आदमी या बाकी सब 16 आदमी से क्या रिलेशनशिप है, इट इज अ वेरी वेरी इट इज अ वास्ट कोनंड्रम। ये अभी कहना कि व्हाट्सएप चैट में अगर मान लीजिए व्हाट्सएप चैट 2 साल पुराना है जी, तो उसी का जो सिग्निफिकेंस प्रेजेंट ये में है उसका इट इज वेरी अनडिफाइंड। उसके बाद आप कहेंगे कि नहीं वो
इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं उनके जो चार्ट्स में वो आ रहा है, लेकिन अगर वो कंजम्पशन में है तो वो चाहे डोमेस्टिक ड्रग ट्रैफिकर से भी खरीद सकते हैं, इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर से भी खरीद सकते हैं। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर एनसीबी की ओर से जो बातें रखी गई हैं कोर्ट के भीतर, एनसीबी कहती है कि जो ड्रग्स क्रूज शिप से बरामद हुआ वो सिर्फ अरबाज मर्चेंट के लिए नहीं था, उसको आर्यन खान ही कंज्यूम करने वाले थे। अगर शिप वहां से निकल जाता, पार्टी शुरू हो जाती तो सभी आरोपी ड्रग्स ले लेते, इस तरह की बातें भी एनसीबी की ओर से रखी गई हैं। मिला है छह ग्राम अरवाल से, मैं जो भी ये कर रहा हूँ शायद 6 ग्राम मिला है, तो इट इज मच लेस देन जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हासी से, वो 100 ग्राम है, मिला है 6 ग्राम। अगर मानो दोनों के लिए भी होगा फिर भी वो 27 में बैठता है, 27 इज ओनली फॉर कंजम्पशन, अनलेस एंड अंटिल सम अदर लार्जर कंस्पिरेसी इज बीइंग सोन। अभी तक जो प्राइमा फेस है उनके पास जितना भी इंट्रोडक्टरी एविडेंसेस हैं उसमें एक बहुत ही कंटिन्यूस चेन दिखाया गया है कि भाई हाँ लगातार वो ड्रग्स आता रहा, लगातार ये करते। देखिए लगातार सेवन करने का कोई अहमियत नहीं रखता, अगर मैं 2 साल से ले रहा हूँ बिकॉज आई बिकम ए ड्रग डिपेंडेंट पर्सन, सो आई हैव टू टेक, आई हैव टू बाय, तो बट कंजम्पशन में एक साथ क्या 100 ग्राम तो नहीं खा लूंगा, एक साथ में आधा ग्राम का चरस और उसी में एस करके सिगरेट में बैठ के पीऊंगा या वॉट एवर मे बी द मोड ऑफ देयर टेकिंग कंजम्पशन, लेकिन वही आधा ग्राम ही मैं ले सकता हूँ एक साथ कंजम्पशन के बाद में। तो अल्टीमेटली जो कंस्पिरेसी यहाँ का लीगल जो एक्चुअली आपको देखना पड़ेगा, जो कंस्पिरेसी मान लीजिए 29 है, अगर कंस्पिरेसी फॉर कंजम्पशन है तो कंस्पिरेसी का पनिशमेंट भी वही कंजम्पशन का पनिशमेंट है, देन ऑल्सो इट इज अवेलेबल। 28 की अगर बात रहे कि अटेम्प्ट की बात रहे थे, अटेम्प्ट और कमीशन एक साथ नहीं जाता है, क्योंकि आप देखिएगा कि हर क्राइम का 3 स्टेज होता है, एक तो प्रिपरेशन स्टेज होता है, एक अटेम्प्ट स्टेज होता है, एक कमीशन स्टेज होता है जो ऑलरेडी कमिट कर गया, तो ये तीनों स्टेज का जैसे आप देखेंगे एनडीपीएस बहुत बढ़िया उसको एनसीबी को लेकर भी बहुत सारे सवाल दूसरे पक्ष के मन में है। आप यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें कि भारत में नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार कितना बड़ा है, सरकारी एजेंसियां इसे करीब 30,000 करोड़ रुपए का बताती हैं। अगर इतना बड़ा कारोबार है तो जो बड़ी मछलियां हैं जहां से ड्रग को फैलाया जाता है चारों तरफ, उस पर क्या उस तरह की कार्रवाई की जाती है? अगर की जाती है तो फिर भी इतनी आसानी से धड़ल्ले से मुंबई में कैसे ड्रग मिल जाता है? इस सवाल पर मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उसके पहले सौरभ वक्तानिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, आपके पास कोई नई जानकारी? आगे मुश्किलें बढ़ी हैं, मैं चाहूंगी ऑथर रोड जेल के बाहर आप मौजूद हैं, हमारे दर्शकों को बताइए कि अब किस तरह का फेरबदल होने वाला है। पहले तो क्वारंटीन थे आर्यन खान, लेकिन अब उनको क्या बाकी अन्य कैदियों के साथ ही रहना पड़ेगा, और जेल प्रशासन की ओर से किस तरह की जानकारी मिली है सौरभ आपको? जी बिल्कुल चित्रा, जस्ट हमारी जो जेल के ऑफिशियल्स हैं उनसे सीधी बात हुई है और आज तक को एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन देते हुए उन्होंने कहा है कि उनका जो क्वारंटाइन पीरियड है वो कल खत्म हो गया। कल देर रात में उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया जिसके बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अब वो आम कैदियों के साथ नॉर्मल बैराक में शिफ्ट कर दिए गए हैं। जी हाँ, आर्यन खान और बाकी के जो आरोपी है जो इस वक्त इस जेल के अंदर मौजूद है सभी को नॉर्मल बैराक में शिफ्ट किया गया है अन्य जो प्रिजनर्स है उनके साथ। अब देखिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पहले तो एनसीबी की कस्टडी तक सही था, उसके बाद यहाँ पर क्वारंटाइन बैरक में रखा गया वो भी सही था, लेकिन अब आम जो कैदी है जो पेटी क्रिमिनल्स होते हैं, हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स होते हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं, उनके साथ अब आर्यन खान को वक्त गुजारना पड़ेगा। देखिए जो जेल की जिंदगी होती है चित्रा वो इंसान को पूरी तरीके से बदल देती है और आर्यन खान को और कई दिन इस जेल के अंदर बिताने हैं, जेल का मैनुअल पूरी तरीके से अलग होता है। खबरें ये भी आ रही है कि आर्यन खान थोड़ा बहुत डिस्टर्ब लग रहा है, टेंस लग रहा है, जिस पर जेल सोर्सेज ने हमें बताया है कि कोई भी इंसान जिसने जेल में कभी भी कोई वक्त गुजारा नहीं हो, जिसने कभी जेल की शक्ल ना देखी हो, तो उसके लिए उस जेल के अंदर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसे उसके अंदर एडजस्ट होने में काफी समय लग जाएगा। चित्रा, दूसरी अगर जो बात करूं खाने पीने के लिए, तो आर्यन खान ने काफी ज्यादा जो मनी ऑर्डर है वो उनके लिए आया गया है। अब वो जो मनी ऑर्डर है वो जेल के पास डिपॉजिट रहता है, तो आर्यन खान क्या कर रहे हैं, जेल का खाना तो खा ही रहे हैं लेकिन साथ ही वो कैंटीन से कुछ स्नैक्स और पानी की कई सारी बॉटल्स खरीद चुके हैं जो पैसे उनके मनी डिपॉजिट में से कट जाते हैं। देखिए जेल में ज्यादा कोई सुविधा तो है नहीं, सुबह 6 बजे तो आपको उठना है और शाम को 6 बजे आपको बैरक के अंदर वापस चले जाना है। चित्रा, 6 बजे के बाद आपको बैरक के बाहर बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया
जाएगा। दोपहर का एक समय होता है जो मेरे पीछे ठीक जो आर्थर रोड जेल आपको दिख रहा है ये पूरा स्क्वायर शेप में बना हुआ है चित्रा। स्क्वायर शेप के बीच में एक बहुत ही बड़ा ओपन ग्राउंड है और उस ओपन ग्राउंड में चित्रा दोपहर में थोड़ा समय दिया जाता है जो आम कैदी आपस में मिलते हैं, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज करते हैं। देखिए चित्रा, एनसीबी की कस्टडी में थे तब तक आर्यन खान अपने माँ बाप से सीधे फोन पर बात तो कर पा रहे थे, लेकिन अब ये सुविधा यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर एक मुलाकात का समय होता है, पहले आपको जेलर को एक इंटीमेशन देना होता है, वो उसको एक्सेप्ट करता है, उसके बाद ही आपको जो प्रिजनर होते हैं उनको मिलने की अनुमति दी जाती है। शायद ही शाहरुख खान या गौरी खान यहाँ पर आए और अपने जो बेटे हैं गौरी खान आएंगे, वो आर्यन खान से मुलाकात करेंगे, क्योंकि त्योहारों का एक लंबा सिलसिला शुरू होने जा रहा है। आज कल दशहरा और इसके बाद भी कई त्योहार हैं। 20 तारीख को जमानत मिलेगी या फिर नहीं, अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील माजिद मेमन साहब इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। माजिद साहब, बहुत शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के लिए। मेरा सीधा सा सवाल है, आर्यन पर आज भी फैसला नहीं आ पाया, फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है, 20 अक्टूबर को यह फैसला होगा कि जेल में ही रहेंगे या फिर मिलेगी बेल, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए चित्रा जी, ये एक सेलिब्रिटी फिल्म आर्टिस्ट का बेटा है इसलिए इतनी बड़ी खबर आप चला रही हैं, वरना इस किस्म के नार्कोटिक्स के दर्जनों केसेस एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो अदालतों के सामने ले जाते हैं हर हफ्ते हर महीने, कई मैटर्स तरह आते हैं। लेकिन चूंकि ये आर्यन खान है, शाहरुख खान का बेटा है, इतने बड़े आर्टिस्ट का, इसलिए आपके दर्शकों को भी वो इतनी इसमें दिलचस्पी नजर आ रही है। मगर मैं इससे हट कर कानून की बात करूंगा, मेरी जिम्मेदारी बहसियत कानूनदा के है, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अब जिस तरह से आपका रिपोर्टर जेल के बाहर ये तमाम तफसील बता रहा था कि अब आर्यन को ये तकलीफ होगी, अब ये होगा, इतना मुश्किल होगा खाना सोना पीना, ये तो एक साधारण हमारे देश के कानून और प्रिजन रूल्स की एक प्रथा है जिसको हर शहर एक को फॉलो कर रहा होगा, इसका प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। मगर कानूनी तौर दृष्टि से मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे वो आर्यन हो या उनकी जगह कोई साधारण व्यक्ति ही क्यों ना हो, ये शिक्षा के तौर पर वो नहीं है, अभी उन्हें कोई सजा नहीं दी गई। कानून ने, हमारे संविधान ने और कानून ने अभी आर्यन को किसी किस्म के दुख सहने का, तकलीफ उठाने का, जलील होने का कोई अधिकार किसी अदालत को अब तक नहीं दिया गया है, किसी अदालत ने उन्हें दोषी नहीं करार दिया है। अभी इट्स अ ट्रांजिट प्लेस, बेल मिलनी चाहिए या नहीं इस पर बड़ी लंबी बहस हुई है और मुझे लगता है कि अब ये तो कहना ठीक नहीं होगा मेरे लिए कि बेल मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, यह न्यायालय का अपना अधिकार है, न्यायालय इस पर फैसला मेरिट्स पर करेंगे। मगर मैं एक बात आपके दर्शकों से कहूंगा कि हमारे देश में गिरफ्तारियों को सजा माना जाता है जबकि गिरफ्तारी तफ्तीश के लिए होती है और प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस हमेशा ऑपरेट करता है, गुनाह जब तक साबित नहीं होगा तब तक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो ये इस तरह से किसी को जलील कर देना या किसी को तकलीफ पहुंचाना, मैं आर्यन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे कानून की बात कर रहा हूँ कि वो उचित नहीं है। जब तक कि कोई दोषी नहीं ठहराया जाता उस पर उंगली उठाकर उसे जलील करना या उसे तकलीफ देना ये गैर कानूनी चीज है और ये इंसाफ के खिलाफ है। जहां सवाल बेल का, अब 6 दिन कोर्ट बंद है, 5 दिन कोर्ट बंद है, तो ये बड़ी दुख की बात है। आर्यन है इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, चाहे कोई भी होता उसकी जगह, बेल ऑर्डर को इस तरह से 5 दिन के लिए 6 दिन के लिए पोस्टपोन कर देना गलत है। आई डिसएग्री विद द लर्नड जज। जमानत वाले मामलात रात को 12 बजे भी बेल होती है, दोपहर शाम सुबह 3 बजे भी बेल हमने ली है। बेल जो है इट्स अ मैटर ऑफ अर्जेंसी। इस मैटर में इतनी लंबी सुनवाई करने के बाद, और मैंने खुद पार्लियामेंट में एक प्रपोजल रखा है जो सरकार के जेर गौर है, उसमें मैंने ये कहा है कि जब कभी अदालतें वक्त की किल्लत की वजह से किसी कैदी की जमानत की एप्लीकेशन पर फैसला नहीं सुना पाती तो उसे इंटरिम बेल दे देनी चाहिए जब तक के, क्योंकि राइट इज टू बी पर्सनल लिबर्टी इज टू बी अप्रिशिएटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आर्यन की वजह से इतनी चर्चा हो रही है मगर हमारे देश की जो पूरा सिस्टम है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल आपसे है, ठीक है सर, आपने महत्वपूर्ण बातें कही हैं, इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है। आपने कहा कि बहुत सारे मामलों में रात के 3 बजे भी कोर्ट में सुनवाई हुई है, बेल मिली है, बेल एप्लीकेशन पर रात को 12 बजे भी सुनवाई होती है। आर्यन खान के मामले में चूंकि सभी के पास ये जानकारी थी कि आगे छुट्टियां रहने वाली है, ऐसे में आज फैसला नहीं आना, फैसला जो भी आता आज फैसला नहीं आना, ये क्या दर्शाता है?
नहीं, आज फैसला को आज आना चाहिए था। जज साहब को भी इस बात को अपने जहन में रखना चाहिए, बड़े अदब के साथ कहूँगा कि जज साहब को भी ये सोचना चाहिए था कि एक जमानत की अर्जी उनके सामने है और अगले 5-6 दिन अदालत बंद है, और जिस रफ्तार से ये सुनी जा रही है, ये सॉलिटर जनरल वहाँ से आ रहे हैं, और इसकी महत्वता इतनी है कि आप जैसे सभी मीडिया वाले देश के इंटरेस्ट में इसको मिनटों में पहुँचा रहे हैं, तो इसकी अहमियत को समझते हुए उन्हें फैसला कर देना चाहिए था। He could have said, for reasons to be separately recorded, the accused is released on bail or accused is refused bail. He should have said that. और इमीडिएटली कल वैकेशन जज के पास हाई कोर्ट में जाया जा सकता था। आपने देखा नहीं अर्नब गोस्वामी के मैटर में क्या हुआ था? जब बेल रिफ्यूज हुई तो रात में चले गए, दूसरे दिन चले गए, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक दिन उसको रोका नहीं। तो देर शुड नॉट बी डिफरेंट यार्ड स्टिक्स फॉर पीपल। ये आर्यन नहीं है कोई साधारण व्यक्ति का हम पकड़ के चलते हैं। इस आदमी ने जिसकी बेल के बारे में, इस जवान नौजवान की बेल के लिए जब इतना शोर हो रहा था, इतनी हियरिंग हो रही थी, तो कोर्ट शुड हैव अंडरस्टूड। और ये वैकेशन जज नेक्स्ट डे बेल के लिए वैकेशन जज बैठते हैं बहुत सारे, समबडी शुड हैव एंटरटेन दिस। जस्टिस नेवर स्लीप, जस्टिस नेवर स्लीप, माजिद मेमन साहब ने ये बातें कही हैं। आपको बता दें आर्यन खान मामले में फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा जा चुका है। 20 तारीख को क्या फैसला आएगा, क्या उनको बेल मिल जाएगी यानी कि उनकी रिहाई हो जाएगी, या फिर जिस जेल में वो बंद है उसी जेल में उनको आगे की ओर रातें काटनी पड़ेंगी, ये सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज भी राहत नहीं मिली और अब उनको अगले 5-6 दिन जेल के भीतर ही काटने होंगे। 20 तारीख को क्या फैसला आता है इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। आर्यन खान के वकीलों ने तमाम दलीलें तो रख दी हैं आर्यन खान के पक्ष में, लेकिन आपको बता दें फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है। 20 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को रिहाई मिलेगी या फिर जेल के भीतर ही उनको रहना पड़ेगा। लेकिन एनसीबी की ओर से भी आज अपना पक्ष रखते हुए यह कहा गया है कि दरअसल उनके व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग से ये तार जुड़े हुए हैं, इसी वजह से जांच काफी तेजी से आगे बढ़ानी है, इसलिए बेल नहीं दिया जाए। बेल मिलेगी या फिर जेल में ही रहेंगे, 20 तारीख को आएगा फैसला। लेकिन इस खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है।